टिको टिको प्यारो रे हे हे हे। हाँ यार बन जा, मैं तो बरसने के लिए तैयार हूँ। यो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका हमारे चैनल में स्वागत है, मिस्टर एंड मिसेस पहाड़ी में। यो तो फ्रेंड्स, बारिश का मौसम हो रहा है, झमाझम बारिश हो रही है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत मस्त जगह पे रुके हैं। फिर वहाँ कुछ खाएंगे, पियेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और घर आ जाएंगे। ये देखो फ्रेंड्स, हम मेरा जी यहाँ पर गाड़ी टेक दी है, पता नहीं कहाँ पर। तो यहाँ पर हम रुक चुके हैं, यहीं पर होगी हमारी मस्ती, ये ग्रैंड मस्ती, ग्रैंड मस्ती। तो देखो तेमू बिल्कुल अपने गेटअप में बिल्कुल तैयार है, और साड़ी पहनी है लेकिन लग नहीं रहा। देखा कितना टैलेंटेड हूँ मैं, भाई है तू भाई। ओके भी बजाता हूँ। तो देखो तेमू के गाने के लिए मुझे करना पड़ेगा इसको ऑन। गे कुटिको प्यारो रे हे हे हे। अभी तो कोई गाड़ी नहीं आई, लेकिन इससे पहले जो गाड़ी आ रही थी ना, तो तेमू को देख के हंस रही थी सारी गाड़ी। अभी एक गाड़ी आई है, वो तो वैसी बहुत थकेली आ रही है, तब तक इसका गाना ही खत्म हो जाएगा। अभी अपना गाना भी चेक करेगी भैया। अरे तुम A1 हो यार, ओके हो गया तो उसको कर दे। देखो यार कितनी रिटेक कराती है, चलो करो। 15 सेकंड के गाने में हद हो गई, डांस करने में लगी है तिम्मू। अभी कोई गाड़ी नहीं आ रही, इससे पहले आई थी, सब लोग इसी को देख रहे थे। और बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है, मस्त वाला। और मैंने बहुत सारी रील्स बनाई, पिछौड़ा पहन के, साड़ी पहन के, मैंने यहाँ पर चेंज करके खाली मतलब सूट के ऊपर से साड़ी, जैसे लोग स्टेज में करते हैं, स्टेज में लोग ऐसे करते हैं। मैं तो कह ही रहा था हीरोइन होना चाहिए। अच्छा सही बोल रहे हो, मेरा जी को भी मैंने हीरो वाले ऐसे दो चार स्टेप करा ही दिए है ना। इनको वैसे डांस वांस ज़्यादा आता नहीं है, पसंद भी नहीं है, पर मैं करवाती तो कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे प्यारे से पति हैं मेरे, क्या नाम लेते हैं मेरी कभी कभी। तो फिर हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया है ना मेरा जी। बहुत तो आप लोग भी अगर जाएँ, मतलब तो ज़्यादा दूर लंबे टूर करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा मोड़ा आगे आस पास भी जा सकते हैं, क्योंकि देखो मैंने अपनी गाड़ी मोड़ ली है वापस। हाँ बहुत मज़ा आ रहा है हम लोग को। तो यहाँ पर एक छोटा सा, हमने बहुत सारे वैसे तो हमने यहाँ पर सब कुछ कवर ही कर रखा है ना, रेस्टोरेंट वगैरह। यहाँ पर एक जंगल फिएस्टा है दो गाँव पे, और एक वो है क्या नाम है उसका मेरा जी, फाइंड मी जिसको ढूंढना पड़ता है, वो कहता है मुझे फाइंड करो। फाइंड मी रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा, आप दोनों यहाँ पर आप दोनों रेस्टोरेंट में आ सकते हैं, अच्छा है काफ़ी। तो हम लोग फिर से रुक गए, हम कहीं ना कहीं रुक जा रहे हैं बस। क्या करना हो रहा है इतना दूर जाके। देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है, अगर मौसम का मजा नहीं लिया तो फिर क्या फायदा है यार। चले फिर बाहर, मेरा जी मजे ले लो। देखो हम एक और जगह पे रुक गए हैं, और यहाँ पे मौसम देखो यार, बिल्कुल कोहरा कोहरा हो रखा है चारों तरफ, और मैं इसी कोहरे की वजह से यहाँ तक आया। तिम्मू रील बन गई, बहुत सारी रील्स बना दी मैंने, बहुत सारी रील्स। कैसा लग रहा है फिर? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मौसम की वजह से या रील बनने की वजह से? दोनों। अच्छा। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, मैं हमेशा बोलती हूँ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ग्रीन बटन दबा के, रेड होता है ग्रीन होता है जो भी होता है उसको, जो भी करना है कर दो, क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बहुत सुहाना मौसम हो रहा है, पीछे कोहरा ही कोहरा हो रहा है, और बीच में हम लोग हैं यहाँ पर, बहुत मस्ती कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे छोटे ट्रिप मारते रहते हैं हम लोग, घर पे बैठे बैठे भी क्या करते हैं, बोर हो रहे थे, खाना वाना खा लिया था, नाश्ता कर लिया था, सब कुछ हो गया था, तो हमने कहा चलो ऊपर तक घूम के आते हैं, तो हम आगे घूमने। तो मैं यार वो मैं वो देख रहा था, देखो चट्टान कैसी है, ऐसे ऐसे करके फिर कटी हुई है बिल्कुल। वो पहले बचपन में हम लोग बुरी बनाते थे घर, उसके बगल में पहाड़ था, ऐसे होता था। हाँ मौसम देखो यार, मौसम है आशियाना, जो भी है आशियाना, ये देख रहे हो क्या चट्टान है मस्त वाली। यहाँ से जाने का रास्ता यहाँ से है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया नहीं है ना, ऊपर ही चढ़ जाता है, इतना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। हाँ यार बन जा, मैं तो बरसने के लिए तैयार हूँ। यो तुम मेरा दिल बन।
आगे संकरा पुल है, संकरा वाला हाँ, नमो नमो संकरा वाला पुल है आगे। तो हम लोग इतना सुहाना मौसम हो रहा है, नैनीताल रोड में है, नैनीताल से सिर्फ 15 किलोमीटर इधर है, 15 किलोमीटर आ चुके हैं, 15 और रह गया है, 15 और चले जाएं तो हम नैनीताल पहुंच जाएं। बट अभी तो दूर जाएंगे नहीं हम, बारिश का मौसम है और हम क्या कहते हैं स्कूटी से आए हैं तो हम भीग सकते हैं। नहीं हम गाड़ी से आए। अच्छा गाड़ी से आए, अरे सॉरी। लेकिन हम नैनीताल भी जाएंगे, हम नैनीताल अभी बीच में गए थे और हमें एक दो दिन बाद फिर जाना है, तो आपको फिर से नैनीताल के बारे में बताएंगे, नैनीताल का जो सब कुछ वहाँ का मतलब व्यू है आपको दिखाएंगे। वैसे मैंने नैनीताल की सारी चीज़ें कवर कर रखी है, आप जाके देख सकते हैं। और मौसम नैनीताल में बहुत सुहाना हो रहा है, बारिश बहुत हो रही है आजकल, मानसून चला हुआ है, क्योंकि हमारे बहुत फ्रेंड्स हैं वहाँ, उन लोग बताते रहते हैं डेली हमको अपडेट, तो बारिश हो रही है वहाँ पर। तो फ्रेंड्स हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की, इतने सुहाने मौसम का आनंद लिया, साथ में बहुत सारी रील्स बनाई, डांस किया, मस्ती की और खूब सारी फोटो सेशन भी किया और गप्पे तो बहुत सारी मारी हमने। मेरा जी और मैं तो इतने भयंकर गपोड़ी हम कब से गप्पे मैं कम हूँ यही है ज्यादा ये बस कान कट 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 साल हो गए गप्पे मेरी सुनते सुनते ना मेरा जी, लेकिन मजा आता है, स्टॉक खत्म नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा यार, कहाँ से लाई है, चाइना का माल है, 15-20 साल हो गए हमको और हम लोग फिर भी गप्पे मारते हैं। चाइना का नहीं जापान का माल है, क्योंकि चाइना के चीज तो एक आध साल में खराब हो जाते हैं, जापान के माल नहीं मेरा जी, इंडिया का और पहाड़ का सामान है। ओके और माल ही सामान है। अच्छा तो ये पहाड़ का है तो इसलिए कभी खत्म नहीं होगा और मेरी गप्पे कभी खत्म नहीं होंगी। मैं आपको भी इसी तरह से अपनी गप्पे सुनाती रहूंगी और मेरा जी को भी, है ना मेरा जी। प्लीज बने रहिए ब्लॉग में, हमारे आगे भी हमारे ब्लॉग को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करके बताइएगा आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। आप लोग का YouTube चैनल है क्या? YouTube चैनल है आपका? तो यार अभी हमारे बगल से ना एक बुलेट में एक लड़का और लड़की जा रहे थे, मतलब हस्बैंड वाइफ जो भी होंगे वो, क्योंकि वो रुके तो नहीं, तो तिम्मो जोशी उनसे पूछती है आपका चैनल है, बोले नहीं हम सिंगल हैं। पीछे मतलब उनके वो सब कुछ था वो क्या स्लीपिंग बैग वगैरह और सब चीज रखी थी और ड्रेस भी उन्होंने बिल्कुल वही पहनी थी ना जैसे लोग कैंपिंग के लिए वगैरह जाते हैं, और सेफ्टी गार्ड्स वगैरह सब पहने थे उसकी वाइफ ने, नहीं तो मुझे लगा कोई यूट्यूब चैनल हो गया, मैंने पूछ लिया तो क्या हो गया नहीं मतलब वो डिसबैलेंस हो गया था, यूपी के नंबर की गाड़ी थी वो, मुझे उनकी ना ड्रेस से लगा, उन्होंने बिल्कुल ट्रैक सूट वगैरह उस टाइप से पहना था ना, जैसे मैंने इसे पहले ही बोल दिया, मैंने कहा नहीं है नहीं है नहीं है मत कर, जान ले बेचारों को, कितने यूट्यूबर हम जैसे यूट्यूबर तो लगते ही नहीं होंगे ना, यूट्यूबर जैसे हमें तो कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ना हम कभी ऐसे कोई गार्ड वार्ड पहनते हैं ना कभी हमारे ऐसा कुछ खतरनाक हेलमेट होते हैं। अरे मेन चीज क्या है कि हम जहाँ पे जाते हैं नैनीताल भीमताल जैसे अल्मोड़ा रानीखेत, एक घंटे का रास्ता हाँ जो भी भले 2-2.5 घंटे अल्मोड़ा रानीखेत, यहाँ बचपन से जा रहे हैं और बिल्कुल ऐसे ही जा रहे हैं, वो तो अब हमने देखा कि यार यूट्यूबर्स होते हैं उनके पास गार्ड्स होते हैं, ई गार्ड एल्बो गार्ड ये सब चीज होते हैं, लेकिन यार हम तो बचपन से वहीं जा रहे हैं। अगर हम बाइक से करते हैं लद्दाख वद्दाख तो हम भी पहन के जाते हैं, लद्दाख में तो जी मैं तो बिल्कुल खतरनाक लगती हूँ ले लेते हैं, भले एक जाएंगे नहीं कहीं घर में पहन के फोटो खिंचा लेंगे तो ऐसे सब्जी ले जाना नी गार्ड लेके और एलो ये वाला एलो वाला लेके बोलना कि क्या कहते हैं कहीं मैं गिर जाऊं तो लोग हर कोई मुझसे कहेगा यूट्यूबर हो, हाँ यूट्यूबर नहीं मैं सब्जी लेने जा रही हूँ ऐसा बोलना तो मतलब हम लोगों ने पूछा, मुझे अच्छा लगा, हम भी किसी यूट्यूबर से मिलते हैं बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा यूट्यूबर थे नहीं, लेकिन वो थे नहीं, वो कह रहा मैं सिंगल हूँ, पता नहीं मैंने कहा डबल के चलते सिंगल के चलते सिंगल यूट्यूबर भी होते हैं क्या, अब बताएं जो होगा आपने को नहीं बताया, उसने ऐसे बोला कि हम नहीं हम यूट्यूबर नहीं सिंगल, यूट्यूब नहीं है सिंगल है, पता नहीं सिंगल है हम तो डबल है भाई तो चलते हैं आगे, तब तक की मिलते हैं, बाय।